डाले ठीक है बोले राहुल भाई का काम सबको अच्छा राहुल भाई आपको कैसा लगा? बनारस में आप प्रमोशन में थे, पटना में प्रमोशन में थे, अब सुपर सिनेमा मुंबई में आज प्रमोशन में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुपर सिनेमा का, तो हम देख रहे थे खुद ही वीडियो इधर देख रहे कि लोग आ रहे हैं पिक्चर देख रहे हैं, हमारी खुद ही इच्छा थी कि जल्दी से भाग के जाए सुपर सिनेमा में, अपने लोगों को हग करें, दिल से प्यार करें, तो आ गया सबसे मिलने के लिए। डार्लिंग के लिए आप लोगों को एक बार मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग फिर से देखने आएंगे तो हम एक बार फिर से राहुल शर्मा को बुलाएंगे और इस बार अक्षरा सिंह को भी साथ में बुलाएंगे। आप लोग आएंगे फिर से देखने? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप बहुत अच्छा अनुभव है, जब से फिल्म आई है 7 तारीख को तब से एक अलग लेवल का अनुभव मिल रहा है, चाहे मुंबई हो, चाहे पटना हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे कहीं और भी जगह में, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना उत्साह है लोगों के अंदर में, और लोग इतनी ज़्यादा फिल्म पसंद कर रहे हैं, तो बहुत अपने आप में बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। राहुल शर्मा जी आज आप टिकट काउंटर पे भी बैठे थे और आपने बाकायदा अपने आप उस टिकट भी बेचा। जी 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 जी, ये क्या नया अवतार है आपका? नया अवतार ये कि भाई अपने हाथ से अपनी फिल्म की टिकट बेचो तो कुछ अलग ही सुख प्राप्त होता है मन को, तो वही सुख प्राप्ति के लिए मैंने अपने हाथ से सोचा कि मैं खुद से टिकट लोगों को दूं, ताकि लोगों में और उत्साह बना रहे, और फिल्म चले, और लोग आए फिल्म देखने के लिए। अब तक का कैसा रिस्पांस है डार्लिंग को लेकर? आप तो बनारस गए थे, आप पटना गए थे, ऑलमोस्ट पूरा देश आप घूम ही रहे हैं, जी अब जी। तक कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपकी फिल्म डार्लिंग को? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि हम सोचे भी नहीं थे कि फिल्म जिस लेवल पे आएगी, मतलब आ रही थी 7 तारीख को, उससे एक रात पहले हमने सोचा भी नहीं था कि भाई इस लेवल तक लोग पसंद करें। हमने कहा चलो ठीक है पसंद कर लेंगे, अभी नए हैं और 1-2 पिक्चर करेंगे तब लोग का इतना प्यार मिलेगा, लेकिन जाते के साथ डे 1 के साथ जो ओपनिंग हुई है फिल्म की और इतना लोगों के बीच में प्यार और इतना फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं लोग और पसंद कर रहे हैं, वो अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है अंदर से। राहुल शर्मा जी, जहाँ मैं देखता हूँ कि जब कोई भी सेलिब्रिटी आता है तो उसके साथ बड़ी सिक्योरिटी रहती है, बाउंसर्स होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, शायद उसे रिस्क होता है, डर होता है कि उसे लोगों से कुछ खतरा हो। मैंने देखा आप कोई सिक्योरिटी आपके पास नहीं थी, आप कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं गए, आप लोगों के साथ मिल रहे थे, उनके गले मिल रहे थे, यहाँ तक कि लोगों ने आपको कंधे पर भी उठा लिया, क्या आपको कोई डर नहीं लगा? नहीं, मेरे को डर बिल्कुल नहीं लगा, उनसे क्या डरना, वो मेरे अपने लोग हैं जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, जो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना प्यार करें, तो उनसे मैं डर के क्या करूँ? मैं फालतू में वो बॉडीगार्ड ये सब रख के मुझे नहीं लगता कि वो मुझे हार्म पहुंचाएंगे, जो जनता मुझे इतना प्यार कर रही है, इतना डे 1 से मुझे, जिस लड़के को कोई नहीं जानता था उसका नाम आज सब लोग जान रहे हैं और बोल रहे हैं कि राहुल शर्मा राहुल शर्मा राहुल भैया, तो मेरे लिए उनका प्यार ही काफ़ी, तो मुझे उनसे कोई डर नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि हाँ सिक्योरिटी रखना चाहिए, और कोई डर नहीं है मुझे, मैं तो उनसे बिंदास हूँ कि अभी भी झूम के मिलूंगा और जब जब मिलूंगा झूम के ही मिलूंगा। राहुल, कॉम्प्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं, किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स आपको लोगों से मिल रहे हैं, अगर आप कुछ एक जो आपको बड़े दिल के वो छू गए हों या जो आप बड़े शानदार लगे हों, ऐसी कोई तारीफ, ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? तारीफ तो बहुत मिल रही है लोगों का, ये कि सब ये कह रहे कि भाई आपने क्या एक्शन किया है, आपने क्या मारा है, आपका वो चॉकलेटी वाला डायलॉग कर दीजिए, थोड़ा सा अपना दाढ़ी खुजला के दिखा दीजिए, जो मैंने किया है फिल्मों में, और बोले क्या आपने फाइटिंग करी है, क्या आपने मारा है, तो वो मेरे को जो जनता है वो मेरे को मेरी फाइटिंग को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, मेरे डायलॉग की डिलीवरी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, और अक्षरा जी का रोमांस और केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। आप गए थे फिल्म देखने, तो आप शांति से जब बैठे थे तो ऑडियंस का रिएक्शन कैसा लग रहा था? पहले तो मैं क्या शांति से में बैठा, किसी को उतना पता नहीं था कि मैं आया हूँ, जैसे ही अचानक से लाइट जली और सब पागलों की इधर आ गए, मैंने सुना कि कोई ऊपर से जंप भी कर गया मिलने के लिए, तो ये सब मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा लोग करेंगे मेरे लिए, बट कर रहे हैं, तो मैं बहुत उन्होंने इतना बड़ा कर्ज रख दिया मेरे ऊपर कि मुझे नहीं पता मैं कैसे चुकता करूँगा, बट हाँ कोशिश ये रहेगी कि उनको हमेशा प्यार दूँ, हमेशा खुश रखूँ और अपनी फिल्मों से एंटरटेन करूँ। आपका वो डायलॉग बड़ा फेमस एक हुआ है राहुल, हाँ, जी जी हैं कि वो डायलॉग आप इस इंटरव्यू के दौरान एक बार फिर से दोहराएं, वैसे मुझे लगता है 100-200-500 बार आप फिल्म की रिलीज के बाद इस डायलॉग को बोल चुके होंगे। बहुत बोल चुके हैं, बट कोई नहीं, हम फिर से बोल देंगे। डायलॉग ऐसा है, चॉकलेटी चेहरा देख के हमरा के मासूम समझ ले बड़े, अरे मार पीट में तो हमार रोआ रोआ रडार बा। शानदार, शानदार, जबरदस्त। और राहुल शर्मा, क्या ये प्रमोशंस आगे भी
जारी रहेंगे देश के दूसरे हिस्सों में, अदर थिएटर्स में भी आप लोग जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, पूरी कोशिश है कि हमारी पूरी कोशिश है, हमारी डार्लिंग टीम की पूरी कोशिश है कि हम जहाँ जहाँ पहुँच पाएँ, जहाँ से जितना लोगों से जुड़ पाएँ, जहाँ जहाँ जिस भी थिएटर में जा पाएँ, हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़रूर जाएंगे। तो अभी कोशिश वही है कि बस जाते जाएँ, जहाँ मौका मिल रहा है जा रहे हैं। पटना वाराणसी गए, फिर पटना गए, फिर वाराणसी गए, फिर दौड़ के मुंबई आए। तो अभी देखते हैं और भी आगे कहाँ जाएंगे। एक आखिरी सवाल जी, अखबारों की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा है कि भोजपुरी सिनेमा को एक नया स्टार मिला है राहुल शर्मा के रूप में। राहुल शर्मा इस बात से खुश हैं, इस बात से थोड़े दबाव महसूस कर रहे हैं कि जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, दबाव तो मेरे को कभी महसूस नहीं होता है किसी भी काम के लिए। मेरा ये बस मानना रहता है कि आप कोई भी काम करें अपना उसमें 1000% है। तो अगर लोग मुझे उस टाइटल से दे रहे हैं और अपना प्यार दे रहे हैं, तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि अगर उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया और मुझे बोल रहे हैं कि स्टार बन गया, नए स्टार मिला है, तो मैं उनकी इस चीज़ को हमेशा ऊपर ही लेके जाऊंगा, कभी उसको डिग्रेड नहीं करूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले खुलासा कर दीजिए कि असल जिंदगी में राहुल शर्मा की डार्लिंग कौन है? कोई नहीं है। थैंक यू। ऑडियंस होगी सॉरी ऑडियंस तो है ही मेरी डार्लिंग, बट मुझे लगा उस वे में पूछा, बट ऑडियंस तो मेरी डार्लिंग है ही, और आप सारे पत्रकार मित्र बंधु हैं सब लोग मेरी डार्लिंग है, जो लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं और इतनी बारिश में मेरे लिए कवरेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप सब